हम जॉब के लिए लिंक्डइन, इंस्टायर, एंजल लिस्ट, नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कर रहे हैं एंड जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि अंशिका हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। आज इस वीडियो में एक रियल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक अल्टरनेट राउट बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा सकते हो एंड इवन जॉब मिलने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक स्क्रीन पे जो आपको मेल दिख रहा है, सबसे पहले ऑनेस्टली बताना कि कितनी बार हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलता है ना कि सामने से हमें पता रहता है कि अगर ये टास्क हमने कंप्लीट कर दिया ना तो हमें इंटरव्यू कॉल मिल जाएगा। आई रिमेंबर जब मैं इंटरव्यूज दिया करती थी, अप्लाई किया करती थी, मेरे को जो सबसे बड़ा इशू लगता था वो यही लगता था कि यार मेरे को टास्क दो ना, मेरे को कुछ टेस्ट करा लो, मेरे से क्वेश्चंस पूछ लो, मुझे आती हैं चीजें। जस्ट बिकॉज मैं शायद अच्छे कॉलेज से नहीं हूं, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट मतलब आई मीन मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट मत करो उस बेसिस पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले डिग इन करेंगे कि कैसे आप इस वाले स्टेज तक पहुंच सकते हो। और जब मैं ये वाला स्टेज बोल रही हूं तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको टेस्ट आए या असेसमेंट आए। कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल भी आ जाता है बेस्ड अपॉन कि आपका रिज्यूमे सही दिख रहा है। कई बार आपको शायद फ्रंट एंड के टास्क मिल सकते हैं, बैक एंड के मिल सकते हैं और कई बार आपको DSA के भी टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आप HackerRank जैसे वेबसाइट पर जाके दे सकते हो एंड एक बार जब आप उनको क्लियर करते हो देन आपको इंटरव्यू राउंड मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज हमें यही करनी है कि बॉल अभी उनके कोर्ट में है, वो शायद रिज्यूमे देख के डिसाइड कर लें कि बंदा उतना सही नहीं है, बट वी नो कि हम सही हैं और हम उखाड़ सकते हैं। तो बॉल को उनके कोर्ट से अपने कोर्ट में लाओ और ये सबसे पहली चीज है कि ऐसे ऐसे मेल्स हमें चाहिए। देखो हजार बच्चे ऐसे हैं ना जो सेम प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं, सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं ना जो आज के टाइम पे मेल का पावर समझ पा रहे हैं कि अगर आपने सही बंदे को सही तरीके से मेल किया तो उसके थ्रू जो आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है ये पूरा प्रोसेस होता है ना, ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कोई भी ऐसी थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, मैं खुद अपनी फ्रेंड की यहां पे एग्जांपल आपको दिखाते चलूंगी कि उसने क्या क्या चीजें करी है एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि उसने शुरू किया था 3.5 लाख पर एनम से एंड इस वाले जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूं उसके थ्रू एट द एंड जो उसके पास ऑफर था वो 15 लाख पर एनम। तो चलो अब सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ऐसे मेल चाहिए, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि इसके लिए हमें मेल करने हैं, कैसे मेल करने हैं, ठीक है। अब यार ये मेल देखो, ये मेल उसने भेजा और उसने क्लियर लिख दिया कि हाय दृष्टि, मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को इन टेक्नोलॉजीज में काम करना आता है एंड ये मेरा रिज्यूमे है। सब्जेक्ट में क्लियरली लिख रखा है कि मैं इस रोल के लिए अप्लाई कर रही हूं। अब मैं आपको रिक्रूटर पर्सपेक्टिव से बताती हूँ क्योंकि खुद मैं आज अपने कंपनी में हायरिंग कर रही होती हूँ। अगर कोई भी बंदा मुझे इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज के साथ रिप्लाई मेल कर रहा होता है ना तो मैं खुद एक बार को रिज्यूमे देखती हूँ यार कि बंदा सही है क्या, देखूँ मतलब हमारा जो रोल है उसके अकॉर्डिंग ये फिट बैठता है या नहीं फिट बैठता है। एंड इसका भी एक तरीका बता रही हूँ जो एटलीस्ट मुझे पता है, कभी भी अगर आप मेल कर रहे हो ना तो ट्राई करो आप रात में मेल करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब सुबह सुबह इंसान अपना मेल करना चेक करना शुरू करता है ना तो हो सकता है कि आपका मेल कहीं ना कहीं ऊपर हो एंड उसको सबसे पहले दिख जाए। तो जब आज के टाइम पे बंदे मुझे मेल करते हैं, मैं एज अ रिक्रूटर या एम्प्लॉयर मेल को देख रही होती हूँ तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करती हूँ कि यार इस कैंडिडेट के साथ मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है। एंड कॉन्ट्रेरी वो वाला रूट समझो कि यार आपने लिंक्डइन पे जाके अप्लाई किया या आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई किया एंड अब वो मेरे ऊपर है कि मैं जाऊं और देखूं कि यार इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जॉब लिस्टिंग डाली थी बंदों ने अप्लाई किया है या नहीं किया है। एंड किया भी है तो लेट्स से 1000 बंदों ने अप्लाई कर दिया है, मैं कैसे शॉर्टलिस्ट करूंगी कि यार 1000 में से वो कौन 2, 3, 4, 10 सही बंदे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये मेल वाला तरीका भी बताया है। अब यार यहां तक ये समझ में आ गया मेल करना है कब करना है, पर ये तो समझ ही नहीं आया कि मेल करना किसको है। देखो ये जितनी चीजें हम बात कर रहे हैं ना ये तभी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपके पास स्किल सेट है। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है यार तो फिर तो कहीं से भी अप्लाई कर लो, जॉब नहीं मिलेगी। एंड आज के टाइम पे वेब डेवलपमेंट एक ऐसा डोमेन है ना जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा हायरिंग भी हो रही है। तो अगर आप में से कोई भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो ये एक कोर्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार देखो। तो ये एक कोर्स है कोडडैम का, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि काफी शानदार है। देखो सबसे पहले आप यहीं पे आकर इनका रोड मैप देख लेना, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पहले आप बेसिक्स ऑफ वेब से शुरू करोगे, देन आप फ्रंट एंड सीख रहे हो, टूलिंग सीख रहे हो, रिएक्ट के बारे में पढ़ रहे हो एंड सिर्फ फ्रंट एंड ही नहीं, आप जैसे नीचे जाओगे आपको दिखेगा आप बैक एंड सीख रहे हो, डेटाबेस देखो यहाँ पे सीख रहे हो, प्रोडक्शन रेडी प्रैक्टिसेस भी पढ़ रहे हो। एंड जो सबसे सही चीज़ बात है यार यहाँ पे कि इन्होंने पूरा डिवाइड करके दे रखा है कि यार अगर मैं बेसिक्स ऑफ वेब कह रहा हूँ तो उसमें देखो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो, ठीक है। अब लेट से मेरे को HTML CSS सीखना है, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगी एंड मैं जो भी कोर्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन है वहां पे पहुंच जाऊंगी। अब यार देखो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ।
हेलो एवरीवन, लेट्स से आपने वीडियो शुरू किया एंड 19 सेकेंड या 20 सेकेंड पे आपको डाउट आ गया कि यार पी टैग कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक इंस्टेंट हेल्प सेक्शन प्रोवाइड करके रखा है, जहाँ पे आप जस्ट पूछ लो इसको टू हाउ टू यूज पी टैग इन HTML, ठीक है। आप जैसे ये यहाँ पे लिखोगे, देखोगे ये इंस्टेंटली आपको आंसर दे देगा कि यार पी टैग इस तरीके से यूज करते हैं। तो यार ये काफी अच्छा हो जाता है, आपका जो इंस्टेंट हेल्प सपोर्ट होता है उसके हेल्प से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं एंड आपको बार बार इधर उधर गूगल सर्च नहीं करना पड़ता, चीजें देखनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है। या राइट साइड में देखना, क्लिक करना, आपको दिख जाएगा कि क्या डिफरेंट कोर्स कंटेंट है जो हम कवर करने वाले हैं एंड थ्रू आउट द कोर्स ये एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं वो है इनका प्रोजेक्ट्स। अब यार प्रोजेक्ट्स भी देखो, यहाँ पे आप जैसे ही खोलोगे ना, जो शानदार चीज आपको दिखेगी कि एक आईडी सॉर्ट ऑफ थिंग दिख जाता है, जैसे कि आप लोकल में VS कोड यूज कर रहे होते हो। लेफ्ट साइड में आपको सारे फाइल्स दिखेंगे, नीचे आपको टर्मिनल दिखेगा, राइट साइड में आप जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे उसका आउटपुट दिखेगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे एक रन टेस्ट भी है जहाँ पे डेफिनेटली जैसे आप रन करोगे दिखा देगा कि यार ये सारे टेस्ट केसेस फेल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने प्रोजेक्ट नहीं खत्म किया है। देखो राइट साइड में पॉपअप भी आ गया। तो गाइज, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी इस कोर्स को अगर आप चाहते हो कि गाइडेड वे में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर एंड काफी जल्दी आप वेब डेवलपमेंट सीख लो। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि यार हमें HRs को मेल करना है, क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं, वही कंपनीज में हायर कर रहे होते हैं, राइट। पर एक्चुअल में ऐसी चीज नहीं होती है। कई बार आप अगर लेट से किसी छोटे कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट चाहो तो फाउंडर, CTOs, उस बंदे के जो लीड इंजीनियर्स हैं उनको मेल कर सकते हो। वो बंदे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायरिंग के लिए, ना कि सिर्फ HR या रिक्रूटर्स। आई होप ये चीज समझ में आई है कि सिर्फ HR को अप्लाई नहीं करते हैं। तो यार देखो, यहाँ तक तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि CEOs को अप्लाई करो, CTOs को अप्लाई करो। बट अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आप बोलोगे कि अंशिका अप्लाई तो मैं कर दूं, बट ये मेल मैं कहाँ से पाऊँ, मेल कहाँ से मुझे मिलेगा कि यार ये मेल आईडी है जिसपे मुझे मेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए यार बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी ये चीज कर रही हैं। एक डेमो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हो एंड और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये चीज बस देख लेना कि हर में कुछ फ्री ट्रायल और वो वाली चीज होती है, बट यार उतना तो आप जुगाड़ कर ही लोगे, दो तीन अकाउंट होते हैं आपके, डिफरेंट ऐसे वेबसाइट्स हैं, तो वो उतना आप जुगाड़ लेना, ठीक है। अब चलो एक वेबसाइट में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लेट से हमें चाहिए CTO दुकान का जो बंदा है उनका ईमेल, ठीक है। तो आप डाल दो यार CTO दुकान ईमेल। अब देखो एक है यहाँ पे rocketreach.co, ये मेरे को अच्छा लगता है, इसका मैंने यूज किया है पहले एंड मैंने इससे काफी मतलब मेल जुगाड़े हैं। तो एक बार दिखाती हूँ, रुको। देखो जैसे ही हमने वीर सुभाष का ईमेल किया, अब यार नेक्स्ट क्या है यार, थोड़ा सा जब दिखाना रहता है ना तो चीजें ऐसी ही होती। हाँ तो यार ये देखो, यहाँ पे फट से मेरे को दिख गया कि यार ये मेल आईडी है दुकान के CTO का। ऐसे ही यार आप चाहो तो आप और भी मेल जुगाड़ सकते हो, ऐसे ही आपको जाना है, डालना है एंड जो भी अगर कहीं भी पब्लिक डोमेन में इन बंदे का मेल अवेलेबल होगा तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। एंड ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, सो यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेना है। तो अब हमें ये समझ में आ गया यार हमें मेल जुगाड़ना कैसे है। अब मैं यहीं पे आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। यार मेरी फ्रेंड ने डायरेक्ट एरो टाइम के CEO को रीच आउट किया था एंड उसने रीच आउट करने से पहले ही यार पता लगा लिया था एरो टाइम क्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेल लिखने का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाओ रैंडमली किसी को भी मेल लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनलाइज्ड मेल लिखो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। अगर आप उनका कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो एंड लेट्स से आपको पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट को इस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, तो इस तरीके के कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अपने मेल में डालो। फॉर एग्जाम्पल ये मेल देखो, यहाँ पे वो पहले ही बता रही है कि यार एरो टाइम इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज प्रोडक्टिविटी इज समथिंग एवरीवन इज सीकिंग इन देयर लाइफ्स। शी क्लियरली नोज कि यार ये ऐप का जो बेसिस है ना वो प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पे पहले ही स्टेट आउट कर रही है इस चीज को। आप देखोगे आगे उन्होंने बता दिया कि यार इधर इधर मैंने पहले काम कर रखा है, मैं इस पोजिशन में इंटरेस्टेड हूँ एंड ये मेरा रेज्यूम है। लेट मी ऑल्सो शो यू कि उधर से रियल में CEOs या CTOs जो होते हैं वो रिवर्ट बैक करते हैं एंड कैसे रिवर्ट बैक करते हैं आप ये देखो। यार रिवर्ट बैक में उन्होंने क्लियरली बता दिया कि आप बताओ आप क्यों काम करना चाहते हो, आपने क्या काम पहले किया है। एंड एक चीज जो बहुत अच्छी उन्होंने बोली है कि उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया कि जो एरो टाइम के इंटरव्यूज होंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे बेस्ड होंगे। अब इसके आगे जब आप बढ़ोगे ना इस मेल के आगे, तो बेसिकली आपका रिज्यूमे ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुका है, आपको कोई यहाँ पे टेस्ट वेस्ट नहीं देना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंटरव्यू राउंड मिल रहा है। दैट्स व्हाट आई स्टेटेड एट द फर्स्ट टाइम कि जरूरी नहीं है कि जब भी आप रीच करोगे हमेशा आपको टेस्ट मिलेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यूज भी मिल सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखो कितना पावरफुल तरीका है कि आपने एक मेल किया, सही मेल किया एंड आपको यहाँ से डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ गई। यार यहाँ तक
बंदों को समझ में आ रहा होगा कि मेल करना तो बहुत इजी है, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ये तीन चार चीज़ें लिखनी है, सामने वाले बंदे को भेजना है एंड बस मेरे को रिवर्ट बैक आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी बोल रही हूँ। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया, मैंने फ्रेंड ने फेस किया है कि यार हम मेल तो कई बार बहुत सही करते हैं पर हमें लगता है कि यार सामने वाला बंदा हमारा मेल ही नहीं खोल रहा है, मतलब वो मेल देख ही नहीं रहा है, रिवर्ट बैक ही नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप अपना सब्जेक्ट लाइन क्या लिख रहे हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट लाइन के बेसिस पे ही सामने वाला बंदा आपका मेल खोलेगा या नहीं खोलेगा। एंड शुरू से एंड तक मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ यार कि मेल आपको पर्सनलाइज भेजना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप जाओ और पहले जाके देख कर आओ कि आप किस बंदे को भेज रहे हो, किस रोल के लिए भेज रहे हो एंड आप एग्जैक्टली क्या चीज़ें चाहते हो। यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दिखा रही हूँ जो मैंने मेरी फ्रेंड ने किया था। चलो हमने दुकान के सीटीओ को ऑलरेडी एग्जांपल ले लिया है तो वही एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। शी वॉज ट्राइंग टू रीच आउट टू सुभाष एंड देखो उसने ऊपर क्या लिखा है, पैशन फॉर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। अब यार ये सब्जेक्ट लाइन बहुत ट्रिकी होता है, कई बार आप क्लिक बेट ट्राई करते हो, कई बार आप कुछ और ट्राई करते हो, बट लेट मी टेल यू कि यहाँ पे उसने ये सब्जेक्ट लाइन क्यों लिखा है। आप जब सुभाष के प्रोफाइल पे आओगे ना, अच्छा एक चीज़ मैं आगे बताना भूल गई थी, कई बार आपको जो मेल और कॉन्टैक्ट इन्फो होते हैं ना वो यहाँ से मिल जाता है। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। कई बार आपको लिंक्डइन के यहीं से कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाता है, इनके केस में नहीं दे रखा है तो आप डिफरेंट वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, बट एक बार आप यहाँ पे भी आके देख लेना। एंड सेकेंड चीज़, कई बार लोग अपने बायो में भी मेल इन्फो लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखो सुभाष ने यहीं पे लगा रखा है अपना मेल इन्फो, तो ये चीज़ आप देख सकते हो आगे। दूसरा देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है, डू रीच आउट इफ़ यू हैव पैशन फॉर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। तो यार ये एग्जैक्ट सेम चीज़ उसने उठाया और अपने मेल के सब्जेक्ट लाइन में लगा दिया। ये होता है पर्सनलाइज मेल। जब मैं पर्सनलाइज मेल की बात कर रही हूँ ना यार, कि रिसर्च करके आओ, देखो क्या लिखना है एंड फिर लिखो। इस तरह के आपको मेल्स करने हैं अगर आपको रिवर्ट बैक चाहिए तो। अब यार एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि आप अपना एक्स फैक्टर हाईलाइट करो। आपका एक्स फैक्टर क्या है? जब तक आप खुद को सेल नहीं करोगे ना, कोई और आपको नहीं सेल करने वाला। एंड ये मेल के थ्रू जब भी आप अप्लाई करते हो, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल सेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कई बार सामने वाला बंदा अगर सिर्फ ये देखता है ना यार कि आपका इंटेंट बहुत ज्यादा है, आप बहुत क्यूरियस हो, आप बहुत तेजी से चीजें सीखोगे, तो इस बेसिस पे भी आप हायर हो जाते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं मेल के थ्रू समझाती हूँ। मेरी फ्रेंड ने जब इस फाउंडर को रीच आउट किया तो इन्होंने क्लियरली बोला कि माय स्ट्रेंथ इज टू पुट 110% इन वॉट एवर आई टेक अप। एंड एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, आई श्योर यू वुडंट रिग्रेट अगर आप मेरे को 15 मिनट समय दोगे। तो यार आप थोड़ा सा आपको क्लीशे लग सकता है कि यार ऐसे तो हर कोई बोलता है माय स्ट्रेंथ इज टू गिव 110%, बट कई बार ये चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं। सामने वाले बंदे देखते हैं यार कि इंटरेस्टिंग लग रही है, एफर्ट पुट इन को रेडी है, लाओ एक बार मैं 15 मिनट चैट करके देख ही लेता हूँ कि क्या ये मेरे कंपनी के लिए फिट होगी या नहीं फिट होगी। एंड सेम हैपेंड इन दिस केस एज वेल। शी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि यार मैं 15 मिनट बात करके देख लूँ एंड फिर सामने वाला बंदा कन्विंस हो ना कन्विंस हो, देन वहां से वो आपके कोर्ट में बेसिकली बॉल है कि आप क्या क्या चीज़ें उसको दिखा सकते हो। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूरे वीडियो में आपको हाईलाइट करना भूल गई, वो ये है कि मेल सिर्फ नहीं करना है, फॉलोअप्स भी करने हैं। मेल करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन बैठे और 10 लोग को मेल कर दिया और फिर 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि यार एक भी बंदे का नहीं आया, दो भी बंदे का नहीं आया, तीन भी बंदे का, ऐसा नहीं। मेल तो करो ही, साथ में फॉलो अप करो कि हे आई पिंग यू बिफोर इन केस इफ यू हैव मिस दिस मैसेज, वुड यू लेट मी नो राइट नाउ, ऐसा करके जो भी आप एक अच्छा से मेल फॉर्मुलेट करो एंड फॉलो अप करो। फॉलो अप में पैसे हैं, फॉलो अप में जॉब है, मेल में कम, तो फॉलो अप करना मत भूलना। एंड सेकेंड चीज़, ये जो मैं मेथड बता रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि एक बंदे को भेजो और एक बंदे से रिस्पांस आ जाएगा। एक बार जब आपने मेल फॉर्मुलेट कर लिया है, अब आप उसको क्या करना है, आपका बेसलाइन रेडी है, आपको सिर्फ दूसरे बंदों के लिए उसको पर्सनलाइज करते रहना है। तो क्या जा रहा है अगर आप 10 बंदों को ऐसे मेल कर रहे हो, 10 बंदों को मेल करोगे, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ यार 1 से 2 बंदे तो आपको पक्का रिवर्ट बैक करेंगे अगर आपने सही से अपना रिसर्च किया है एंड अप्लाई किया है। स्टार्ट में भी मैंने ये क्लियर बोला था, ये वीडियो बिंज वॉचिंग के लिए नहीं है। पूरे वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं। मैं आपसे चाहती हूँ यार कि आप इन मेथड्स को अप्लाई करो एंड कम बैक ऑन दिस वीडियो ओनली एंड टेल मी कि अंशिका आपने जो बताया था ना ये वर्क कर गया एंड मैंने ये जॉब क्रैक कर ली या मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज मिले। दैट्स व्हाट द इंटेंट फॉर दिस वीडियो वॉज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो से समझ में आया हो कि सिर्फ लिंक्डइन, इंस्टा, हायर और ये प्लेटफॉर्म्स ही नहीं होते हैं जिसके थ्रू हम जॉब ले सकते हैं, बट बहुत अलग तरीके भी होते हैं। एंड ये तरीका जो मैंने बताया है, ये तो यार मैंने आपको रियल एग्जांपल के बेस पे बताया है कि कैसे मेरी फ्रेंड ने अपनी सैलरी को अपग्रेड करी है एंड एक अच्छी जॉब भी क्रैक करी है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अब तक आपने देखी है, तो मेक श्योर करो आप वीडियो के एंड में आओ और कमेंट करो कि यार अंशिका मैंने ये वीडियो एंड तक देखी है, क्योंकि जब आप ऐसी बात कहते हो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है यार कि मैंने आपके लिए अच्छी वीडियो बताई, आपके लाइफ में वैल्यू ला पाई एंड मैं मोटिवेट होकर और ऐसे ही वीडियोज बनाती रहूँ। That's all for this video, guys. Make sure you hit the like button, subscribe the channel, and मिलते हैं फिर ऐसे ही नए content के साथ किसी और video में। तब तक के लिए bye-bye.